दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन चीजों को लेकर किया जा रहा है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तीन बिंदुओं को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके लिए हमने संघर्ष नोटिस ऑलरेडी विभागाध्यक्ष महोदय को दे रखा है, जिसमें बलिया में हिस्ट्री सीटर अराजक तत्वों द्वारा वहां पे घटनाएं की जा रही, वहां कार्य का माहौल नहीं पैदा किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाने और वहां सुरक्षा का माहौल देने के लिए, ये हमारी पहली मांग है। प्रदेश के कई अधिशासी अभियंताओं द्वारा और अभियंताओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने पहले से ही विभागाध्यक्ष को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को कर रखी है, वो हमारी दूसरी मांग है। उसके अलावा हमारे कई खंडीय अभियंताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके वो हमारी तीसरी मांग है। इन तीन बिंदुओं को लेकर के हमने संघर्ष नोटिस दिया था और 22 नवंबर तक का इन्हें हमें समय दिया था कि 22 नवंबर तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो 23 नवंबर को हम पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर धरना करेंगे। उसी के तहत आज हमारा धरना कार्यक्रम प्रदेश के 18 मंडलों पर मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने हो रहा है। उसी तारतम्य में आज लखनऊ में मध्य क्षेत्र का धरना है, जिसमें हम सम्मिलित हुए हैं, मुख्यमंत्री मध्य क्षेत्र के मुख्यालय बैठते हैं, इसलिए उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसी प्रकार की कार्यवाही की गई है संबंधित? अभी तक जो हिस्ट्री सीटर अपराधी है उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन गैंगस्टर भी नहीं लगाया गया, वहां सुरक्षा का माहौल नहीं प्रदान किया गया। ये कार्रवाई हमारी पहली मांग पे हुई। जो हमारी दूसरी और तीसरी मांग है, जिसपे विभाग को निर्णय लेना है, उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, विभाग तीन हमारे प्रमुख नेता हैं तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये निर्णय कौन लेगा। आज इस स्थिति में विभाग खड़ा हुआ है, मुझे लगता है मुझे अगला कार्यक्रम इसलिए करना पड़ेगा कि हमारी मांगों को सुनेगा कौन और निर्णय कौन लेगा। सर, एक और वर्तमान में योगी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन विभागीय कर्मचारियों पर ही ऐसी स्थितियां आ रही हैं, तो आम जनमानस का सुरक्षा? निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति है उनके, जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल भी रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि या तो उनके तक सूचनाएं नहीं पहुंच रही मुझे जो समझ में आ रहा है, और वो सूचनाएं पहुंचाने का काम हमारे एलआईयू का है, हमारे विभागीय अधिकारियों का है, तो हमें लगता है कि एलआईयू भी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे, या प्रशासनिक अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं, जो उनके साथ आईएएस अफसर वो नहीं बता पा रहे हैं, हमारे विभागीय अधिकारी वहां तक नहीं बता पा रहे हैं, चीजें वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं। अदरवाइज जीरो टॉलरेंस की सरकार है और उन्हें जैसे ही पता चलता है तो एक्शन लेते हैं। अभी शाहजहांपुर में ऐसी घटना हुई और जब उनको पता चला तो उन्होंने जिसने भी सड़क उखाड़ी थी उसके खिलाफ कार्रवाई की, तो मैं समझता हूँ कि चीजें हमारे जो बीच के अधिकारी हैं वो वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे। किसी विशेष प्रकार का संरक्षण भी प्राप्त है उन लोगों को? निश्चित रूप से अगर प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा, सात धाराएं लगने के बाद, ऐसी धारा जिसमें 7 साल की सजा है, और मजे की बात कि विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट ने 9 नवंबर को NBW जारी किया है, उसके बाद भी अगर पुलिस नहीं पकड़ रही तो इसका मतलब कहीं न कहीं से संरक्षण प्राप्त है। सर, क्या आगे आंदोलन भी जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो संघर्ष नोटिस पहले दे रखा है उसमें ही हमने आंदोलन की घोषणा कर रखी है। आज हमारा प्रदेश के मंडल मुख्यालयों पे कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद पहली तारीख को हम इसी परिसर में मुख्यालय पे हमारे प्रदेश के सारे डिप्लोमा इंजीनियर्स आएंगे, हम यहाँ घेराव करेंगे और पहली तारीख को ही हम हड़ताल पे जाने का निर्णय लेंगे। महोदय से आपकी संदर्भ में वार्तालाप हुआ क्या? जब हम संघर्ष नोटिस देते हैं तो सिस्टम है विभागाध्यक्ष बुला करके बात करते हैं। हमारे संघर्ष नोटिस पे विभागाध्यक्ष जी ने प्रमुख नेता ग्रामीण सड़क को लिखा कि इसके लिए साथी अभियंता का चुकी शिकायत का मामला है, आप सुनिश्चित करें, तो सब लोग एक दूसरे पे अपनी जिम्मेदारियों को ढाल रहे हैं। तो हमें कहीं न कहीं लगता है कि विभाग खुद ही चाह रहा है कि आंदोलन होना चाहिए, हमें लगता है शायद किसी के अधिकार छीने गए होंगे, किसी कम किए गए होंगे, तो इस वजह से विभाग चाह रहा हो कि आंदोलन हो, अफरा तफरी मचे। तो अगर संघ भी इसमें शामिल होने की तैयारी? निश्चित रूप से महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, सुबह से मंडल स्तर का धरना है, बावजूद उसके हमारे जो महासंघ के अध्यक्ष जी हैं यहाँ बैठे हुए हैं और आपके सामने उन्होंने घोषणा भी की है तब आप थे यहाँ पे कि अगर हम आंदोलन में पहली तारीख से जा रहे हैं तो महासंघ के 24 घटक संघ भी आंदोलन में हमारे साथ जाए हैं जाएंगे, यही हमारा सिस्टम है और यहीं तक नहीं रहेगा, ये आंदोलन आगे भी बढ़ेगा, इसलिए कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से हम संबद्ध हैं, उसके हम कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो लोग भी बलिया में पूरा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद लगा रहा, ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैं हूँ, ऐसी स्थिति में अगर जरूरत पड़ी तो ऑल इंडिया लेवल पे भी जाएगा और ये लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगा, तो इन्हें समय रहते इस चीज को संभाल लेना चाहिए और नियमानुसार न्यायपूर्वक निर्णय लेना चाहिए।